गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज बेटा हम इस लेक्चर क्लास में आप लोगों को मैप वर्क से रिलेटेड कार्य कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैप से रिलेटेड वर्क कराने जा रहे हैं, तो मैप से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो बेटा नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे ज़्यादातर ध्यान देंगे। बेटा पहले इंडिया की जो पोजिशन है उसको मैंने इसके पहले कई बार लेक्चर क्लास में आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो मैंने लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है बेटा, ये लॉन्गिट्यूड लाइन बताई थी बेटा, और ये लैटिट्यूड लाइन बताई थी, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की आपको जानकारी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा लॉन्गिट्यूड की। तो यहाँ पर बेटा ये लॉन्गिट्यूड होती है बेटा, इसको बेटा अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो ये भारत के जो ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से जाती है, कितने 37 डिग्री, ध्यान रखना बेटा, 6 अंश से लेकर, ठीक है, 6 मिनट, सॉरी यहाँ 6 मिनट होगा, 37 अंश, ठीक है, 6 मिनट से लेकर यहाँ इधर साउथ में देखेंगे, इधर साउथ वाले में यहाँ कन्याकुमारी के पास से एकदम टच करते हुए जो लाइन जाती है बेटा वो कितनी जाती है 8 अंश 4 मिनट, ठीक है। और इसमें अगर हम इसको लॉन्गिट्यूड की टाइप बात करते हैं बेटा, तो ये बेटा लैटिट्यूड होगी, यहाँ पर लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड होगी। और ये बेटा होगी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड होगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड की लाइन की देखिए, ये लॉन्गिट्यूड है यहाँ से, ये दोनों लॉन्गिट्यूड है, तो इसका डिस्टेंस कितना है बेटा 97 डिग्री से, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री अंश से 25 मिनट से लेकर इधर गुजरात में 68 अंश 6 मिनट के मध्य है। तो ये आपको मालूम हो गया, ठीक है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो आप देखने हैं जरूरी बेटा, जहाँ पे हम बात करेंगे बेटा तो भारत का, तो भारत का मैंने, भारत में मैंने स्टेट्स जो बताए हैं बेटा, कितने बताए, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट्स बताए हैं। कल मैंने आपको मैप वर्क में आपको मैंने स्टडी कराया था और वहाँ पर मैंने आप लोगों को इनके विषय में बताया था, तो बेटा ठीक है। तो बेटा आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि टोटल डिस्टेंस जो होता है, ये मैप से रिलेटेड है जानकारी सारी आपको, तो टोटल डिस्टेंस नॉर्थ बिटवीन साउथ डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेटा इसकी जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी कितना हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा 2933 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्ट बेटा बात करेंगे, आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से ये ऊपर वाला एस्थलीय भूभाग है, यहाँ पर ये लैंड स्ट्रीट बॉर्डर लाइन कहलाती है बेटा, ठीक है। स्थलीय समुद्री तटीय रेखा की बात करते हैं, स्थलीय तटीय रेखा की लंबाई कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो है वो कितनी डिस्टेंस हो गई इसकी हो गई, ठीक है। अब बेटा ठीक है, अभी इंडिया की हम बात करेंगे बेटा, इसकी लाइन की बात करते हैं, ये यहाँ से लेकर इसकी टोटल डिस्टेंस ये कितनी हो गई बेटा, तो ये टोटल डिस्टेंस इसकी हो गई 6,100 किलोमीटर हो गई, ठीक है। और अगर इसमें इन दोनों की बॉर्डर हमें बात बेटा याद रखना है कि इंडिया की जो नेचुरल बॉर्डर लाइन्स है वो कौन कौन सी है, तो अगर हम नॉर्थ में क्या है बेटा हिमालय है, साउथ में कौन सा है इंडियन ओशियन है बेटा, ठीक है, ईस्ट में क्या है बे ऑफ बंगाल है बेटा, ठीक है, और वेस्ट में क्या है अरेबियन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेटा समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि बेटा ये जो ये लाइन होती है और ये यहाँ से लेकर, तो अर्थात भारत की कितनी जो पड़ोसी देश है, जो पड़ोसी कंट्री है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए मैंने एक ट्रिक हिंदी में बनाई है, देखिए ये याद रखेंगे, ट्रिक याद करेंगे तो याद हो जाएगा, रूप चीन अब आभार। देखिए हमने बताया था
की क्षेत्रफल की दृष्टि एरिया वाइज, ठीक है। तो एरिया वाइज जो होगा बेटा, एरिया वाइज जो होगा, एरिया कितना है बेटा इसका, तो ये क्षेत्रफल अगर देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको याद रखना है, तो इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है जो टोटल लैंड है वर्ल्ड की लैंड से इंडिया की लैंड कितने परसेंट है, 2.5% है, बिल्कुल कितने प्रतिशत है। अब इंडिया की मैंने बताया था कि बेटा आप लोगों को याद रखना है इंडिया में कि जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन जो है वो कौन कौन जो है, मतलब है कि विश्व के कितने देश जो है इंडिया से बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर एक ठीक है, इसको तोड़ लेंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको देंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 1 से हो जाएगा यहाँ पर बेटा, हो जाएगा एशिया, ठीक है। कहाँ से बेटा हो जाएगा, कनाडा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, यहाँ बेटा हो जाएगा चाइना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्राजील हो जाएगा, यहाँ पर बेटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है बेटा, रशिया है, ठीक है। सेकंड पे कनाडा है, थर्ड पे चाइना है, ठीक है। फिर देखिए बेटा, बेटा नहीं, ये थर्ड पे चाइना हो जाएगा बेटा, सेकंड थर्ड पे चाइना हो जाएगा, और यहाँ फोर्थ पे आ जाएगा, और ये फिफ्थ पे, ये सिक्स पे, और इंडिया का सेवन पे, ठीक है। तो ये पोजिशन आपको मालूम होगी। अभी बेटा इसकी पहले आप इसमें जो हम सीखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, प्रमुख रूप से देखना चाहते हैं कि क्या क्या हमें पता होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हमको यहाँ पर देखना होगा क्या 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 चीज़ें हमें लेनी है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है बेटा क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देखना है, मैंने कल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन स्टेट्स की कैपिटल और स्टेट्स के नाम भी बता दिए थे। आज हम बात करेंगे बेटा, आपको मैंने रिवर्स से भी बता दिया है, ठीक है। प्रमुख रूप से पास बताने जा रहे हैं। पास देखिए, पास कौन कौन से हैं। पास का मतलब होता है बेटा दर्रे, बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं हिंदी में पास कहते हैं और हिंदी में दर्रे कहते हैं, ठीक है। तो इनको याद करके कौन कौन से स्टेट्स की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर है बेटा, यहीं पर हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ठीक है, ये सिक्किम है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो J&K जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जो है ट्रेन याद रखेंगे जोका पी बाघ, ठीक है। तो इसको तोड़ लेते हैं जोका पी बाघ को, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कौन सा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, जू जिला जिला पास, ठीक है बेटा, हो जाएगा काराकोरम पास हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बेटा जो हो जाएगा पीर पंजाल हो जाएगा पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर बेटा हो जाएगा यहाँ पर वो जिला दर्रा, ठीक है, पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर हो जाएगा बेटा, ठीक है, इस यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा बनिहाल पास। ये चीज़ें आपको पता हो गई, दोनों चीज़ें मालूम हो गई, ठीक है। तो ये कहाँ के हो गया, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र के हो गए, ठीक है। फिर बात करते हैं, फिर यहाँ पर बात आ जाती है जम्मू कश्मीर के बाद बात करते हैं किसकी आते हैं, हिमाचल में। तो हिमाचल में देखिए, हिमाचल बेटा तो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो प्रदेश में आ जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है बेटा, तो
तो रोहतांग, रोहतांग बड़ा शरारती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे, जिसकी बात करते हैं रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाड़ा लाचा, ठीक है, ये बात हो जाएगा बेटा, ये सब चल नहीं रहा है। यहाँ पर बेटा हो जाएगा सिर्फ किला, सिर्फ किला दर्रा, ठीक है। तो आपको याद रखना है बेटा कौन सी चीज है, बाड़ा लाचा, रोहतांग, ठीक है, सिर्फ किला दर्रा, ये सारी चीजें आपको पता हो गई। फिर अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड की, बात करें, ठीक है। तो यूके उत्तराखंड बोलते हैं इसमें, इसमें कौन से है बेटा, तीन है, नीलिमा, ठीक है, कौन से याद रखें, नीलिमा। तो कौन कौन से हो जाएगा यहाँ पर, तो नीति पास हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा लिपु लेक, और यहाँ पर बेटा हो जाएगा माना पास, ये बेटा हो जाएगा, ये बेटा पास हो जाएगा दोनों, ठीक है, नीति पास हो जाएगा, लेक पास हो जाएगा, माना पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करेंगे हम, बात करते हैं, ठीक है, फिर अगर हम बेटा यहाँ पर आ जाते हैं सिक्किम का, तो अगर हम सिक्किम की बात करते हैं बेटा, तो सिक्किम में पास से वर्ना देखना है, सिक्किम में कौन कौन से पास दिखाएंगे हम, तो सिक्किम में कौन कौन से आएंगे बेटा, तो जलना, ठीक है, जलना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा जय ले ला, ठीक है, जय ले ला दर्रा पास हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा ना आरती, ना खुला पास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बेटा। और उसके बाद आ जाएगा बेटा कौन सा ये क्षेत्र आ जाएगा बेटा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कौन कौन सा हो जाएगा, वो बेटा यहाँ पर हो जाएगी गोदी, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ, इसको इसको कैसे धोएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गोम दिला दर्रा, गोम दिला पास यहाँ पर लिख देंगे बेटा, यहाँ पर दिफू पास हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा यायाम पापा, अच्छा नहीं रहे सर, ये बेकार सब नहीं चल रहेगा, एक भी नहीं चल रहे, चलेंगे नहीं बेकार, दिमाग पर आते हम थी बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे जब, ठीक है। तो अभी हम बेटा यही सब बातें कर रहे थे आप लोगों को, ये चीज़ें आप लोगों को सब पता हो गया, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आओगी। मैंने आज पास थे, आप पास का मतलब होता है दर्रे, मैंने दर्रे को बताया था अभी, किसे कहते हैं, दो माउंटेन होते हैं उसके बीच में जो ये रोड टाइप में होती है, इसको ही बोलते हैं, अर्थात दो पर्वतों के सकरे मार्गों को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, दो पर्वतों के सकरे मार्गों को क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। तो आज बेटा दर्रे का दर्रे पता हो गया आप लोगों को, तो ये दर्रों के विषय में जानकारी हो गई, ये बेसिकली जानकारी आप लोगों को हो गई है। और इससे आगे अगर ये भरना सीखना है आप लोगों को, इसके बाद में मैं आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो है जो सभी लोग जल्दी से जो है इसको नोट कर लेंगे और जो है अपना जो है वर्क कर डालें, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे बताऊंगा। बेटा आज की लाइव क्लास इतने नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क क्लास होने नेटवर्किंग होने की दिक्कत की वजह से आप लोगों की लाइव क्लास नहीं हो पाई, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस बताने का प्रयत्न किया है, आप लोग सभी लोग नोट करेंगे इसको, ठीक है बेटा। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।